Hey guys, welcome back to our new vlog. So guys, कैसे आप सब बड़े होंगे? तो guys, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि सीन कुछ ऐसा हुआ कि परसों पड़ने वाली थी बर्फ, ऐसा बोला था मौसम वैज्ञानिकों ने, तो कहीं भी बर्फ पड़ी नहीं, वह मेरा पोपट हो गया। रात को बारिश खतरनाक वाली आई तो हमने सोचा दूसरे दिन बर्फ पड़ जाएगी और उसी दिन के लिए बता रही थी, लेकिन दूसरे दिन देखा तो साफ मौसम हो रखा। मैंने सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज दिया जाए, सीधा बर्फ वाला ब्लॉग डाले, लेकिन बर्फ तो पड़ी नहीं, तो मैंने सोचा कब तक ऐसा पोपट करते रहे, इससे अच्छा आज ही ब्लॉग डाल देता हूँ। तो अभी मैं कर रहा हूँ सोशल पेपर सॉल्व। तो सोशल पेपर हमारा कुछ इस टाइप का आता है, 4 पेज का और 3 घंटे मिलते हैं इसे करने के लिए। तो जिस दिन हम श्रीनगर से आए तो मैंने सोचा कि श्रीनगर जाइए रखे तो बैडमिंटन मिलाते हैं एक अच्छा वाला, तो मैं आपको अपना बैडमिंटन भी दिखाता हूँ नया वाला। तो ये है मेरा नया रैकेट गाइस, तो मुझे बहुत पसंद आया है और मैंने इसमें ग्रिप भी खुद लगाई, अभी दिखाता हूँ गाइस। ये गाइस देखो कितना अच्छा है। तो गाइस ये है मेरा रैकेट नैनो रे 6000i योनेक्स कंपनी का। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं देश के लिए नहीं खेलना चाहता, मैं मजे के लिए खेलना चाहता हूं, क्योंकि हर चीज़ जरूरी होती है, गेम्स भी जरूरी होते हैं। गेम्स में बैडमिंटन भी अच्छा लगता है मुझे, इसलिए बैडमिंटन ही खेलता हूं। तो टाइम अभी हो रहा है 10:11 और खाना मैंने खा लिया है, चटनी और रोटी थी आज गाइस। अब से बोल रहा था मैं चटनी बनाई तो आज इन्होंने इच्छा पूरी कर दी। सुबह जब हम ट्यूशन जाते हैं ना तो अंधेरा हो रहा था गाइस, एकदम एडवेंचर वाली फीलिंग आती है, तो अंदर ही अंदर बोर हो गया, इसलिए जाता हूँ थोड़ा बाहर। तो एक बार कालू की तरफ गौर किया जाए तो कालू और टीटू क्या आजकल नहीं बन रहे? टीटू कालू में भौंक रहा है, बहुत चिढ़ता है कालू से। जब हम कालू को कुछ देते हैं खाने के लिए ना, तब मेरी टीटू भी बहुत अच्छी है, इसकी नाक सबसे प्यारी है, सबसे प्यारी इसकी नाक है। बहुत टाइम से आपने थलीसन का सुहाना मौसम नहीं देखा होगा, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। और आप बोल रहे होंगे कि प्राची कहाँ है, तो प्राची जा रही है गाइस पौड़ी, प्राची उनकी टीम पूरी खो खो वाली पौड़ी जा रही है और आज उनकी कबड्डी होगी। तो परसों उनका फोन आया तो खो खो की टीम उनकी हार गई है। अलग ही मजा आता है गाइस दोस्तों का, क्योंकि 60-70 दोस्त हैं एक साथ एक ही कमरे में, मेरा भी था यार गाइस, लेकिन मैं उस टाइम श्रीनगर था। नहीं जाती तो चूल्हे के लिए लकड़ी लेना। तो गाइस टाइम आ चुका है टीटू का खाना तैयार करने का, तो उसको भूख लग रही है बहुत ज्यादा। अब टीटू को 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद फूल जाएंगे ढंग से और टीटू आराम से चबा पाएगा उन्हें, नहीं तो अगर कच्चा खाएगा तो पेट में दर्द होने लग जाएगा उसके, इसलिए सब चीज़ देखनी पड़ती है गाइस। गाइस मैं आपको मिलाता हूँ अत्रिका से। हेलो, बिस्किट खा रही है, देखो गाइस बहुत क्यूट है गाइस ये। स्माइल करिए गाइस। गाइस तो मैं अभी खेल के आ रहा हूँ बैडमिंटन और बहुत प्यास लग रही है, और माजी ने मेरे लिए बना रखा है बनाना शेक गाइस देखो। तो अब चलते हैं पुराने किचन के अंदर जहाँ मैंने कुछ टाइम पहले स्टडी रूम बनाया था, नानी आता प्रिय है गाइस। कुछ अलग ही मजा है ऐसे चूल्हे का। लेकिन एक लॉस ये है कि बहुत ज्यादा धुआं आता है इससे, है ना नानी? आंखें दर्द हो जाती है इससे, मतलब इसके धुएं से, अंगेठी के धुएं से बहुत ज्यादा धुआं लगता है गाइस। और एक कमरा छोटा है इसलिए ज्यादा धुआं लग रहा है।
फाइनली गाइस मैंने आग ताप ली है और हाथ मेरे गर्म हो चुके हैं, पढ़ाई कर सकता हूँ, थोड़ा लिख सकता हूँ कुछ। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, अभी के लिए इतना ही था। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय।